नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खरमास की बात आती है, यानी ये वो महीना होता है जिस महीने सूर्य की गति कहा जाता है कि काफी कमजोर होती, काफी धीमी चलती है। और इस महीने में बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं किए जाते हैं। और ये महीना दिसंबर 14 तारीख से शुरू होकर के 14 जनवरी तक रहेगा। यानी इस महीने में हमें बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें हमें करनी चाहिए, यानी जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी बनी रहे और हमें लाभ भी होता रहे और हमें किसी भी तरीके का नुकसान छू भी ना पाए। अब आती है कि सबसे पहले इस महीने को जप तप दान का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में ऐसे रिचुअल किए जाते हैं जो पूजा से, भक्ति से, दान प्रक्रिया से जुड़े हो, जप से जुड़े हो, तप से जुड़े हुए हो। और इस महीने में दान की जब बात आती है, खास करके जरूरतमंद लोगों को खूब सारा दान करना चाहिए, बहुत सारी चीजों का सहयोग करना चाहिए, जिससे आपके इर्द गिर्द एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनी रहती है और दूसरा आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं और तीसरा सामने वाले को आपका सहयोग जो है वो पूर्ण मात्रा में मिल सकता है। दान के जहां बात आती है तो हमेशा हमें कल्याण समझ करके ही दान करना चाहिए, एहसान समझ करके दान कभी नहीं करना चाहिए। जो नजर सामने वाले की आपके सामने झुक जाए उसे दान नहीं कहते, वो तो एक एहसान हुआ। लेकिन जो दान आप बहुत ही सरलता से, सभ्यता से दान करते हैं, वो दान आपके कर्मों में वृद्धि करता है। इस महीने में खास करके कहा जाता है कि सूर्य को जल देने की प्रक्रिया है, यानी जहां एक तरफ सूर्य धीमी गति में रहते हैं, सूर्य बहुत ज्यादा उच्च प्रभाव नहीं डालते हैं आपके जीवन में, वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडलियों में भी सूर्य की निर्बलता होने से आपके जीवन में अस्त व्यस्तता हो सकती है। सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका बल है। आपको अपने बल को बनाए रखने के लिए, अपने तेज को बनाए रखने के लिए सूर्य को नियमित जल देना चाहिए। इस पूरे महीने में जल देने का प्रावधान है। अब आती है बात कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खास करके हमें इसके अलावा भी करनी चाहिए। जैसे गाय को गुड़ का आपको सेवन कराना चाहिए, चना सेवन कराना चाहिए, गाय को रोटी जरूर डालनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, जल देने का प्रावधान है। और खास करके गौ सेवा तो वैसे भी उत्तम सेवा मानी जाती है, तो गाय के लिए चारे का प्रबंध करना, उसके भोजन का प्रबंध करना, उसे गुड़ खिलाना, ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, आप स्ट्रेस से दूर होंगे, आपका तेज, आपका मनोबल बढ़ेगा और साथ के साथ आपके काम में आने वाली अड़चने दूर होंगी। जब भी हम किसी भी पॉजिटिव कर्म को करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे ऊपर आता है, तो ऐसे में आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार मन के अंदर लाने हैं। सूर्य उदय से पहले ही उठ करके, नहा धो करके, स्नान करके आपने सूर्य को रेगुलर पूरा महीना जल देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक सैटरडे स्किप करना है, यानी शनिवार को त्याज्य करके, शनिवार को त्याग करके इसके अलावा आपने पूरा महीना सूर्य को जल देना है। सूर्य के मंत्रों के जाप करने हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने पूरी पूजा भक्ति स्मरण जरूर करना है। इससे भी आपकी जिंदगी में आने वाले सारे कष्ट दूर होते हैं। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपने सूर्य को बलवान करने के लिए जो भी रिचुअल्स, जो विधियां हमने बताई हैं, वो पूरा खरमास इन सारी विधियों को आप जरूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं।
जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।